ियल सी क्लासोर क्वेश्चन एंड शॉर्ट एंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट आर न्यूट्रिय नेम मेजर न्यूट्रिय न्यूट्रिय क्या है और उनके नेम बताने हैं मेजर न्यूट्रिय के

न्यूट्रिएंट उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं जो न्यूट्रिएंट कहते हैं जो कि हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ और डेवलप होने में ठीक है द मेजर न्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं वो क्या है मेजर न्यूट्रियट है जो की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन है? So है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है बिकॉज इट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी जो भी हमारे बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है वो कंप्लीट करता है सो so, इट इज कार्ड अ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड क्वेश्चन नंबर थ्री राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग दी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आपको टेस्ट करना है जिसके अंदर आपको डिटेक्ट करना है कि उस फूड के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं सो दी टेक अ पीस ऑफ फूड आइटम पुट टू थ्री ड्रॉप ऑफ डायलूट आयोडीन सोलूशन ऑन इट इफ दलर ऑफ द फूड आइटम बिकम ब्लू ब्लैक यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पीस ऑफ फूड आइटम लेना है और उसके अंदर क्या करना है दो से तीन ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोलूशन क्या करना है मिक्स करना है इफ द कलर ऑफ फूड आइटम बिकम ब्लू अगर उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है देन इट इंडिकेट कि उसके अंदर क्या है स्टार्च प्रेजेंट है अदरवाइज स्टार्च जो है नहीं प्रेजेंट है फर्स्ट फर्स्ट जो है हमारा वो कह रहा है कि फूड प्लस आयोडीन फूड और आयोडीन को अगर हम लोग मिक्स करते हैं और उसका जो कलर है जो चेंज होके आता है वो हमें क्या मिल रहा है ब्लू ब्लैक मिल रहा है देन उसके अंदर क्या है स्टार्च जो है प्रेजेंट है सेकंड कह रहा है मेरा फूड प्लस आयोडीन अगर आप करते हैं और जिसका कलर नो ब्लू ब्लैक कलर आता है कोई और कलर आता है इट मीन्स उस फूड के अंदर क्या है स्टार्च जो है प्रेजेंट नहीं है सो so, आपको अगर किसी फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है अगर उसको डिटेक्ट करना है तो आपको क्या करना है एक पीस ऑफ फूड लेना है उसके अंदर टू थ्री ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोलूशन मिक्स करना है अगर उसका उसका कलर जो है ब्लू uh, ब्लैक आता है सो इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च जो है प्रेजेंट है अदरवाइज स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की क्या फंक्शन है प्रोटीन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोटीन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड और उसे हम लोग क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एंड टिश्यूज ऑफ बॉडी जो कि हेल्प करते हैं ग्रोथ होने में और रिपेयर दी डैमेज सेल ऑफ डैमेज सेल और वो रिपेयर करते हैं डेमेज सेल एंड बॉडी ठीक है और ये हमारे बॉडी को हेल्प करती है फाइट करने में अगेंस्ट इन्फेक्शन बीमारियों के अगेंस्ट uh, लड़ने के लिए ये क्या करती है प्रोटीन जो रहती है हेल्प करती है हमारे बॉडी को प्रोटीन मेक आवर नेल हेयर एंड मसल और प्रोटीन जो रहते हैं हमारे नेल्स को हेयर को एंड मसल को क्या है बनाती है प्रोटीन so, uh, क्या है बहुत uh, प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रोथ होने में और डैमेज सेल को रिपेयर करने में टिश्यूज को रिपेयर करने में और ये इंफेक्शन से क्या करती है फाइट करती है और प्रोटीन जो रहती है हमारे uh, bod, uh, हमारे हमारे नेल्स हेयर और मसल्स को क्या है बनाती है सो प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रीएंट फॉर आवर बॉडी क्वेश्चन नंबर फाइव है हाउ यू कैन टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम आप कैसे पता कर सकते हो कि जो भी फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन uh, प्रेजेंट है या नहीं टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इफ द सैंपल इज सॉलिड ग्रेंड इट पुट दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एट टेन ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट ट्यूब Now, with the help of the drop a dropper, add two drop of solution of copper sulfate and ten drop uh, ten drop of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and place the test tube in a test tube stand for few minutes. Observe the color of the content of test tube. If the color of the content turn violet, the food item contain protein. बेसिकली यहाँ पे ये यह कह रहा है कि आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ले लो एंड एंड प्लेस देम इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब और क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे रख दो एंड ड्रॉप ऑफ वाटर और उसके अंदर आप क्या करो ड्रॉप ऑफ वाटर रखो और उसे अच्छे से शेक कर दो देन आफ्टर दैट आप क्या करो टू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट उसके अंदर मिक्स करो एंड टेन ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा और टेन ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा उसके अंदर क्या करो मिक्स करो एंड देन अगेन उसको अच्छे से शेक करो और उसे क्या कर दो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में उसको रख दो और फ्यू मिनट आप क्या करो वेट करो देन आफ्टर दैट उसे ऑब्जर्व करते रहो अगर उस कंटे उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा वायलेट हो जाएगा सो इट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर क्या है प्रोटीन प्रेजेंट है अदरवाइज प्रोटीन जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है इसका जो प्रोसेस है ये कह रहा है एक इंपॉर्टेंट नोट है कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोल्यूशन आर हार्मफुल जो कॉपर सल्फेट है और कॉस्टिक सोडा जो है ये हार्मफुल जो है हार्मफुल है सो जब भी आप इसे यूज करें बहुत केयरफुल बहुत केयरफुली यूज करें ठीक है और इसका प्रोसेस जो है अगर हमें किसी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसको फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो क्या है पहले तो आपको फूड आइटम लेना है उसके अंदर क्या करना है टेन ड्रॉप ऑफ वाटर मिक्स करना है देन आफ्टर दैट टू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट मिक्स करना है और टेन ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा मिक्स करना है देन आपको अच्छे से शेक सेक uh, करना है और आपको कुछ टाइम उसके लिए वेट करना है अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसका कलर जो है वायलेट हो जाता है सो so उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है अदरवाइज नहीं प्रेजेंट है सो so इसके अंदर बेसिकली आपको फोर आइटम लगेंगे एक तो फूड फूड आइटम फूड आइटम का पार्ट लगेगा सेकेंड चीज वाटर लगेगा एंड थर्ड चीज जो रहेगा कॉपर सल्फेट लगेगा एंड फोर्थ फोर्थ चीज जो रहेगा कॉस्टिक सोडा रहेगा और एट द एंड अगर उसका कलर जो है वायलेट आता है सो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है अदरवाइज प्रोटीन जो है प्रेजेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट आर फैट नेम फैट क्या होते हैं और सम फैट कंटेनिंग सबेंस के नाम बताने आपको यहाँ पे सो दर इज दिच सोर्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फैट दे प्रोवाइड एनर्जी टू दॉडी जो ऐसे ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं फैट कहते हैं एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी और वो हमारे बॉडी को क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है ऑल टाइप ऑफ नट मस्टर्ड सीड मिल्क बटर आर मेजर सोर्स ऑफ फैट जो नट्स होते हैं मस्टर्ड सीड होते हैं मिल्क होते हैं बटर जो होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ फैट है इनके अंदर हमारा क्या है फैट जो रहता है हाई अमाउंट ऑफ में फैट प्रेजेंट रहता है लाइक कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट आल्सो कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फैट जो रहता है उसके अंदर जो रहता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होते हैं बट फैट कंटेन लेस ऑक्सीजन लेकिन जो फैट है वो लेस ऑक्सीजन कंटेन करता है देन कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से क्या है वो लेस कंटेन करता है ऑक्सीजन क्वेश्चन नंबर सेवन राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ फैट क्वेश्चन नंबर सेवन है आपको टेस्ट करना है और डिटेक्ट करना है कि जो भी फूड आइटम है उसके अंदर क्या है फैट प्रेजेंट है या नहीं सो आंसर यू टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रब इट ऑन अ पीस ऑफ व ऑब्सॉर्व केयरफुली यून दैट दीस ऑफ वाइट पेपर सो एंड ऑयली पैच ऑन इट विच इंडिकेट द फूड आइटम कंटेन फैट यहाँ पे आंसर ये कह रहा है कि आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लो और उसको क्या करो पीस ऑफ वाइट पेपर पे रब करो अच्छे से ऑब्जॉर्व करो केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट पीस ऑफ व्हाइट पेपर सो एंड ऑयली पैच और जो वो व्हाइट पेपर है आपके पास उसपे क्या होगा ऑयली पैच uh, क्या हो जाएगा इंडिकेट करेगा दिखेगा उसपे ऑन विच विच इंडिकेट दैट फूड आइटम कंटेन फैट जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि उस फूड आइटम के अंदर क्या है फैट प्रेजेंट है ठीक है so, सो जब आप उसको फूड uh, आइटम को क्या करोगे व्हाइट पेपर पे रब करोगे तो उसके ऊपर क्या करेगा ऑयली पैच बन जाएंगे uh, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि उस फूड के अंदर जो है फैट प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट आर विटामिन वेरियस काइंड ऑफ विटामिन आपको बताना है व्हाट आर विटामिन राइट वेरियस काइंड ऑफ विटामिन और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन के नाम भी बताने हैं यहाँ पे सो दी आंसर इज दे आर प्रोटेक्टिव कंपाउंड विथ नो एनर्जी वैल्यू दे हेल्प इन प्रॉपर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग एंड एंड आर रिक्वायर्ड बाई द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी यहाँ पे कह रहा है कि दे आर प्रोटेक्टिव कंपाउंड ये प्रोटेक्टिव कंपाउंड होते हैं विथ नो एनर्जी वैल्यू जिनके अंदर एनर्जी नहीं होती है दे हेल्प इन प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करती है प्रॉपर फंक्शन फंक्शनिंग करने में एंड आर रिक्वायर्ड बाई दे बॉडी इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी और हमारे बॉडी को जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है विटामिन की विटामिन की हमारे बॉडी को वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है सो द आंसर इज दे आर प्रोटेक्टिव कंपाउंड ये प्रोटेक्टिव कंपाउंड होते हैं विथ नो एनर्जी इनके अंदर एनर्जी नहीं होती है दे हेल्प इन प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग और ये हमारी बॉडी को हेल्प करती है प्रॉपर फंक्शनिंग में एंड आर रिक्वायर्ड बाई बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी और हमारे बॉडी को विटामिन की बहुत कम जरूरत होती है वेरियस काइंड ऑफ विटामिन आर विटामिन ए विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ वेरियस काइंड ऑफ विटामिन आर विटामिन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के क्वेश्चन नंबर नाइन है पीपल हु ईट सी फूड डू नॉट सफर फ्रॉम गोइटर एक्सप्लेन यहाँ पे कह रहा है कि जो सी फूड जो पीपल लोग खाते हैं जो पर्सन सी फूड खाते हैं उनको गोइटर नाम की जो डिजीज है वो होती नहीं है एक्सप्लेन करो क्यों क्यों नहीं होती है सो द आंसर इज इज इट सो बिकॉज सी फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड गोइटर इज डिफिशंसी डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सी फूड होते हैं वो क्या होते हैं रिच सोर्स ऑफ आयोडीन उनके अंदर क्या होता है आयोडीन uh, काफी होती है सो so, जो पर्सन ग uh, सी फूड खाते हैं उनके अंदर जो बेसिकली जो रहता है आयोडीन की कमी होती नहीं है क्योंकि वो सी फूड के अंदर आ, आ, का, आ, काफी आयोडीन होता है सो so, बेसिकली जो गोइटर जो है डिजीज है वो डिफिशेंसी डिजीज है ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन अगर आयोडीन की कमी की वजह से हमारा क्या होता है डिफिशेंसी डिजीज गोइटर होता है जो कि डिफिशेंसी डिजीज है सो so, जो सी फूड खाते हैं जो पर्सन उनको गोइटर डिजीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर आयोडीन काफी होती है So, so, जो आयोडीन की जो भी रिक्वायरमेंट uh, होती है हमारी बॉडी को वो सारी की सारी फुलफिल हो जाती है सी फूड के थ्रू सो द रीजन जो पर्सन सी फूड खाते हैं उन्हें गोइटर डिजीज नहीं होती है क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सेस इंटेक ऑफ फैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज इट कॉजेज ओबेसिटी यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्सेस इनटेक ऑफ फैट इज हार्मफुल अगर हम लोग काफी ज्यादा फैट लेते हैं तो हमारे बॉडी को क्या है वो हार्मफुल है बिकॉज इट कॉजेज ओबिसिटी इसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में मोटापा आता है ओबिसिटी उब, मीन्स मोटापा ठीक है तो हमारे बॉडी में मोटापा आता है सो वुड इट हार्मफुल फॉर द बॉडी टू टेक टू मच प्रोटीन एंड विटामिन इन द डाइट इसमें ये कह रहा है कि अगर हम लोग फैट लेते हैं तो उससे हमारे बॉडी को क्या होता है हार्मफुल होता है बिकॉज उसकी वजह से हमें मोटापा आता है लेकिन अगर हम लोग क्या करें अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ में प्रोटीन ले और विटामिन लें अगर हम लोग प्रोटीन और विटामिन को काफी मच अमाउंट में लेने लगे तो क्या इससे ये भी हार्मफुल होगा हमारे लिए so the answer सो देंसर इज यस एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड is harmful and may lead to other disease अगर हम लोग काफी uh, amount में protein और vitamin को अपने diet में शामिल करते हैं लेते हैं so इसकी वजह से क्या होता है हमारी body को harmful पहुंच सकता है सो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर विटामिन uh, और प्रोटीन अगर हम लोग डाइट में मैक्सिमम अमाउंट में लेने लगे तो इससे क्या हो सकता है हमारी बॉडी को क्या हो सकती है हार्मफुल पहुंच सकती है और इसकी वजह से हमें कोई डिजीज भी हो सकती है क्वेश्चन नंबर इलेवन है नेम दिटामिन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्वेश्चन नंबर इलेवन ये कह रहा है कि आपको ऐसे विटामिन बताने हैं जो कि हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है जब हम सनलाइट में होते हैं जब हम लोग धूप में होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो कौन सी विटामिन की प्रिपेरेशन करती है िन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है नेम अटामिनको विटामिन का नाम बताना है जो की मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं सो दिटामिन सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है पेशेंट हैज स्टेंटर्ड ग्रोथ स्टेंटर्ड ग्रोथ स्वेलिंग ऑन फेस डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीजेस डॉक्टर एडवाइस हिम टू ईट अ लॉट ऑफ पल्सिस ग्राम ईट वाइट एग वाइट मिल्क मिल्कसी वाट इज रॉन्ग विदेंट एक्सप्लेन यहाँ पे कह रहा है कि स्टंटेड ग्रोथ ए पेशेंट है एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या है स्टेंडर्ड ग्रोथ हो रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्वेलिंग ऑन फेस और उसके फेस पे स्वेलिंग होता है एंड डिसकलरेशन ऑफ हेयर उसके हेयर के जो कलर हैं वो चेंज हो गए हैं डिसकलर हो गए हैं एंड स्किन डिजीज अगर उसे स्किन डिजीज हो रही है सो डॉक्टर एडवाइज हिम टू ईट लॉट ऑफ पल्स सो डॉक्टर जो रहते हैं उसे एडवाइज कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पल्सिस खाओ ग्राम खाओ एग वाइट खाओ और मिल्क खाओ सो व्हाट इज रॉन्ग विदेश के साथ क्या हुआ है आप उसे एक्सप्लेन करिए देंसर इज द इनटेक ऑफ प्रोटीन इज नॉट इनफ इन हिज डाइट एंड ऑल दि सिम्टम और कॉजेज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन सो बेसिकली आंसर यहाँ पे आंसर सेज दैट जो पर्सन uh, है जिसकी uh, जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम है वो जो अपनी डाइट है उसके अंदर जो uh, ज, जो इनफ uh, अमाउंट uh, में वो प्रोटीन जो है ले नहीं रहा है ठीक है उसके प्रोटीन उसके जो जो भी वो फूड खा रहा है उसके अंदर उतनी अमाउंट की प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है लैक ऑफ uh, deficiency डिजीज हो रही है जिसकी वजह से डिफिशेंसी डिफेसे, डिजीज हो रही है ठीक है so, सो डिफिशेंसी डिजीज किसे कहते हैं किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई डिजीज होती है तो उसी हम क्या कहते हैं डिफिशेंसी डिजीज कहते हैं सो बेसिकली यहाँ पे इस पर्सन को इस पेशेंट को क्या है प्रोटीन की कमी है सो द रीजन ये क्या है डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन है ठीक है सो द इनटेक ऑफ प्रोटीन इज नॉट इनफ इन हिज डाइट जो वो प्रोटीन ले रहा है अपने डाइट में उसके अंदर वो प्रोटीन इनफ नहीं है एंड ऑल दिस सिम्टजे ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन और ये जितने भी सिम्टम्स है वो डिफिशेंसी की प्रोटीन uh, की डिफिशेंसी uh, की वजह से हो रही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ स्मॉल चाइल्ड बिकम वेरी थिन एंड लीन एंड लेटर ही बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट मूव

सो हैज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए सो दोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सो उस चाइल्ड को कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन न्यूट्रिय लेना पड़ेगा जिससे क्या होगी उसकी बॉडी जो होगी अः उसकी हेल्थ जो होगी इम्प्रूव होगी और उसकी बॉडी जो होगी अः डेवलप होगी ग्रोथ होगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है वॉट आर दंक्शन ऑफ मिनरल मिनरल्स के क्या फंक्शन है मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड फूड्यूरिंग नेचुरली एंड एंड आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनरल्स मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड होते हैं जो कि आक्यूर होते हैं नेचुरली एंड आर नीड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट और हमारे बॉडी को मिनरल्स जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है मिनरल आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी और मिनरल्स जो रहती है वो आ, हमें इसलिए जरूरत होती है क्योंकि वो हेल्प करती है हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ होने में और मेंटेन गुड हेल्थ और गुड हेल्थ मेंटेन करने में दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और मिनरल्स जो रहती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है और इसके एग्जाम्पल जो है मिल्क है साल्ट है एग है एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स जो मिल्क साल्ट एग एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स हैं, ये मेन सोर्स हैं मिनरल्स के क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है राइट फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी फंक्शन ऑफ वाटर वाटर के क्या फंक्शन है इन आवर बॉडी सो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिय फ्रॉम फूड जो वाटर जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिय एब्सॉर्ब करने में फ्रॉम दूड

डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिक्विड से फ्रूट से एंड वेजिटेबल से क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है वॉट इज ओबिसिटी ओबिसिटी क्या है वेन अ पर्सन ईट टू मच फैट कंटेनिंग फूड अगर कोई पर्सन है जो ईट कर रहा है खा रहा है टू मच फैट कंटेनिंग फूड बहुत ज्यादा फैट कंटेनिंग फूड उसके बॉडी के अंदर क्या हो जाती है स्टोर हो, हो जाती है एंड ही मे इंड सफर ओबेसिटी जिसकी वजह से उसे लेटर ऑन उसे सफर करना पड़ता है कंडीशन कार्ड ओबिसिटी ओबिसिटी मीन्स होता है मोटापा जिसे लेटर ऑन उसे मोटापे से क्या करना पड़ता है सफर करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज क्या होते हैं दी आंसर इज व्हेन अ पर्सन ईट सच अ फूड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हिच मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट व्हेन अ पर्सन ईट सच फूड अगर कोई पर्सन है वो ऐसे खाने खाता है जो कि बहुत समय से जिसके अंदर क्या है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है देन क्या कहते हैं डिफिशियंसीट कीज ए डिजीज और डिफिशियंसी अगर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रियट की है सो so उसकी वजह से क्या हो सकती है हमें बीमार हो सकती है बीमारी हो सकती है डिजीज हो सकती है और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी और डिसऑर्डर हो सकता है हमारे बॉडी के अंडर

सो so, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं रहती है उसके फूड के अंदर उस उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से उस पर्सन के अंदर कोई बीमारी हो सकती है सो so, उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ दैट न्यूट्रियट सो डिफिशंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिय कैन कॉज डिजीज अगर डिफिशियंसी होती है एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है डिजीज हो सकता है और डिसऑर्डर इन बॉडी और हमारे बॉडी के अंदर डिसऑर्डर भी हो सकता है सच टाइप्स ऑफ डिजीज आर नोन एज डिफिशेंसी डिजीज और ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं डिफिशेंसी डिजीज कहते हैं नाउ वी आर गोइंग टू सी लॉन्ग एंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट इज लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ द दियंट एंड राइट द द फंक्शन ऑफ ऑफ ईच आपको वेरियस टाइप्स बताने हैं और उनके फंक्शन बताने हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिय आर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रोटीन होते हैं फैट होते हैं विटामिन होते हैं मिनरल्स होते हैं ये वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिय होते हैं फर्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट दे आर मेनली मेनली एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिय ये जो रहती है ये हमें mainly क्या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को सो कार्बोहाइड्रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय फॉर आवर बॉडी देन सेकेंड इज फैट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी ये भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट और ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इफ कंज्यूम इन सेम अमाउंट अगर हम लोग अः फैट और कार्बोहाइड्रेट सेम अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो फैट जो है वो अः हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट थर्ड uh, है प्रोटीन दे आर कार्ड बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन जो रहता है उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं बिकॉज़ इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रोथ होने में और डेवलप होने में प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट जो प्रोटीन जो रहता है वो हमारे बॉडी को क्या करता है हेल्प करता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग में और रिपेयर करता है हमारे डैमेज पार्ट के हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट को वो क्या करता है रिपेयर करता है हेल्प करता है स्किन हेयर मसल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन जो रहता है वो हमारा हेल्प करता है बॉडी की स्किन को बनाने में हेयर hair के हेयर नेल मसल और एंजाइम्स को बनाने में सो प्रोटीन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर बॉडी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय फॉर आवर बॉडी सो कीप इट ऑलवेज टेक इट इन प्रॉपर डाइट ओकेटाम विटामिन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस विटामिन जो रहती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीजेस से बीमारियों से दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आई बोन तीत एंड ग ये प्रोटेक्ट uh, करते हैं हमारे आई को बोन को तीत को और गम्स को देन आफ्टर दैट फाइव है मिनरल्स मिनरल आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी मिनरल्स जो रहते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या करती है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ होने में क्या है हेल्प करती है और टू मेंटेन गुड हेल्थ और बॉडी को हेल्थ health, हेल्दी रखने में वो मिनरल्स जो रहते हैं क्या करते हैं हेल्प करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट राइट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट बैलेंस डाइट क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं आपको बताने हैं द द द इज अ डाइट प्रोवाइड राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल दैट दैट आर आवर बॉडी नीड एलोंग विथ रफ एज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिसके अंदर हमें हमारे बॉडी को जितनी प्रॉपर न्यूट्रियट चाहिए वो सारी की सारी प्रेजेंट हो वाटर प्रेजेंट हो रफ एज प्रेजेंट हो सो उस उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं एक बार फिर से हम लोग देखते हैं अ डाइट विच प्रोवाइड राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल दी न्यूट्रिय दैट आवर बॉडी नीड अलोंग विथ रफ एज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जिस बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जब हम फूड लेते हैं तो हमारे फूड के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाले फूड होने चाहिए प्लस रफ एज वाले फूड होने चाहिए एंड वाटर होने चाहिए सो so, ऐसे ऐसे डाइट को हम लोग क्या कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं ठीक है वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स रफ एज एंड वाटर जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं बैलेंस डाइट के आपके वो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन है विटामिन है मिनरल्स हैं, रफ एज है और वाटर है अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हम उस पर अच्छे से वीडियो बनाएंगे और उसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी क्यूरी हो जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे So thanks for watching.